यह एक सैंड फिल्टर है। अगर आपके पानी में काई आती है तो वह पानी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर को इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। तो अगर आप यह सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वह सब काई निकल जाती है पानी से और फिर क्या होता है कि वो नॉर्मल पानी बन जाता है। फिर वो पानी को आप ड्रिप इरिगेशन के लिए आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके पहले भी हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी तो कई सारे किसान भाइयों ने कमेंट में पूछा कि भैया इसका फंक्शन हमको डिटेल में बताओ। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। और यह वीडियो चालू करने के पहले मैं सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आपके तरफ से भी हमको कुछ जानकारी चाहिए। तो आप अभी जो भी किसान भाई यह वीडियो देख रहा है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके तरफ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मतलब ड्रिप इरिगेशन आप इस्तेमाल करते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन आप इस्तेमाल करते हो, या जो पुरानी पद्धत है ज़मीन के ऊपर से पानी देना, तो कौन सी पद्धत आप इस्तेमाल करते हो, इतना थोड़ा कमेंट में बताइए। क्योंकि आपके तरफ से जो फीडबैक आएगा उसके ऊपर ही हम हमारे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट सोचते हैं। तो नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैंने यह बोला था कि एक प्राइमरी फिल्टर है, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन में दो तरीके के फिल्टर आते हैं, प्राइमरी फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख लीजिए। लेकिन अगर आपके पानी में बड़े पैमाने पे काई आती है तो जो नॉर्मल फिल्टर रहते हैं स्क्रीन फिल्टर डिस्क फिल्टर वो बार बार चोकअप हो जाते हैं, तो उस समय आपको यह फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि कई बार क्या हो जाता है कि किसान भाई का पानी कुएं का रहता है या बोरिंग का रहता है लेकिन वो भी यह फिल्टर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पानी में बहुत बड़े पैमाने पे काई नहीं आती है तो ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा जो स्क्रीन फिल्टर है या डिस्क फिल्टर है या आपको थोड़ा सा अपडेट करना है तो जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है या हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर है उसका उपयोग आप कर पाएंगे। तो मैं यह फंक्शन आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको अलर्ट करता हूँ कि यह प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना ज़रूरी रहता है। अगर आप वो नहीं लगवाएंगे तो फिर ये फिल्टर का कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिल्टर एक ठराविक किस्म की गंदगी बाहर निकलेगा लेकिन वो गंदगी छोड़ के अगर कुछ गंदगी आती है तो वो गंदगी यह फिल्टर नहीं पकड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए आपको सेकेंडरी फिल्टर लगवाना पड़ेगा। तो देखिए इसका फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं कैमरामैन भाई साहब को भी बोलूँगा कि यहाँ पर फोकस कीजिए कि देखिए आपका जो भी पानी का सोर्स है वो इनलेट यहाँ से आएगा। तो नॉर्मल परिस्थिति में ये कॉक चालू रहेगा, ये बंद रहेगा, तो सब गंदा पानी इसके अंदर आएगा। इसके अंदर सैंड बिछाई हुई रहती है, वो सैंड भी कुछ अलग तरीके की रहती है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिटेल बताया है, वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिए। नहीं तो क्या है, फिर वीडियो बड़ी बन जाती है हमेशा, तो वो जो गंदगी वो सैंड में अटक जाएगी और जो अच्छा पानी वो नीचे जाएगा और जो नीचे पानी जाएगा अच्छा तो वो यहाँ से आपके खेत में आपके ड्रिप इरिगेशन में चला जाएगा। ये हो गई नॉर्मल तरीके की एक ही है। लेकिन मान लीजिए 15 दिन हो गए, महीना हो गया और आपके सैंड में बहुत ज़्यादा गंदगी अटक गई है, फिर उसको साफ कैसे करेंगे? तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कॉक बंद करना पड़ेगा और ये कॉक चालू करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो पानी आ रहा है वो नीचे से ऊपर आएगा, तो आपके सैंड में जो भी गंदगी अटकी थी वो भी पानी के साथ ऊपर आएगी। और यहाँ से ये देखो, ये जो कॉक है ना, ये कॉक जब आप खोलेंगे तो ये सब गंदगी यहाँ से बाहर आ जाएगी। सिर्फ ये करते समय आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये काम करेंगे तो ये जो सैंड है ये भी थोड़ी बहुत बाहर आ सकती है। तो जब भी आप फ्रेश करेंगे तो आपको प्रेशर थोड़ा कम रखना है, नहीं तो सैंड बाहर आ जाएगी। या आपको ये कंप्लेंट आती है कि सैंड बाहर आ रही है तो आपको ये चीज़ का प्रावधान रखना है। यहाँ पे देखो, एक प्रेशर मीटर दिया है, एक प्रेशर मीटर यहाँ पे दिया है। तो ये दोनों प्रेशर मीटर का क्यों दिया है कि जब नॉर्मल परिस्थिति, जब ये कॉक बंद है और ये चालू है तो ये इनलेट का प्रेशर दिखाएगा और ये आउटलेट का प्रेशर दिखाएगा। तो इस तरीके से ये काम करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर कोई किसान भाई ये सैंड फिल्टर खरीदता है चाहे कोई भी कंपनी का हो, तो एक दिक्कत क्या आती है कि किसान भाई ये खोलता है और जो सैंड आती है उसको सीधा डाल देता है। अगर वैसा डालेगा तो अंदर के जो मशरूम है वो सब टूट जाते हैं और किसान भाइयों को दिक्कत होती है। तो वैसा नहीं करने के लिए सबसे पहले तो इसमें पानी भर देना। तो पानी से क्या होगा, जो भी आप सैंड डालेंगे वो नीचे से नहीं जाएगी तेजी से, आराम से जाएगी और फिर आराम से थोड़ा थोड़ा सैंड इसमें डालना है आपको।
और इसके नीचे एक कॉक दिया है, मैं देखता हूँ कि आपको कैमरा में दिख रहा है क्या, एंड कैप दिए, आप पकड़िए, हाँ तो यहाँ पे देखो एक एंड कैप दी है, कैमरामैन भाई साहब दिख रहा है, हाँ तो जब आपका काम नहीं है ना तब आप पूरा पानी इसका खाली करके रख सकते हो, और नीचे भी हमने उसको खोल फिटिंग की व्यवस्था दी है, तो ऐसा क्यों दिया भी कर दीजिए सीधा, हाँ सीधा कर दीजिए उसको, तो वो क्यों किए कि जब मान लीजिए अगर गलती से आपकी सैंड मान लीजिए एक साल हो गया, दो साल हो गया, सैंड में बहुत ज़्यादा गंदगी अटक गई है और आपको उसको साफ करना है, तो आप नीचे के सब नट खोलेंगे तो सब सैंड नीचे आ जाएंगी, आप उसको एसिड के पानी में अच्छे से धो लीजिए और वापस डाल दीजिए, तो सब प्रावधान इसमें दिए हैं। और इतनी जानकारी देने के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, या ड्रिप स्प्रिंकलर के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं उसके बारे में आपको जानकारी पूरी दूंगा। और अगर आपको यह सैंड फिल्टर के बारे में और कोई तुरंत जानकारी चाहिए तो हमारे इंजीनियर के नंबर यहाँ पर मैंने दिए हैं, जो सुबह 8 और शाम 6 के बीच में अवेलेबल रहते हैं, जिनको कॉल करके आप जानकारी पा सकेंगे। अगर मान लीजिए गलती से आपने कॉल किया और हमारे इंजीनियर ने नहीं उठाया तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारे इंजीनियर कॉल बैक करते हैं और आपसे बात करते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमारे चैनल पर बहुत सारी खेती के जो चीज़ें हैं उसका गिव अवे कर रहे, मतलब हम लकी ड्रॉ निकाल रहे कि जो भी किसान भाई है उन्होंने हमारे वीडियो में कमेंट किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, या एक व्हाट्सअप का नंबर हमने दिया है वो नंबर पे उन्होंने नाम और गांव भेजा है, तो वह किसान को हम हमारी जो चीज़ें हैं वो लकी ड्रॉ निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। तो अगर आपको भी यह कॉम्पिटिशन में सहभाग लेना है तो वो नंबर भी मैंने यहाँ पर दिया है व्हाट्सअप का, जिसके ऊपर आपको आपका नाम और गाँव भेजना है, और आपको वीडियो में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह जो जानकारी मैंने दी वो पसंद आई होंगी। धन्यवाद।